एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छी होगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच जो कल मैच खेला जाएगा। मैच कहाँ पर खेला जाएगा? टन 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 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे यहाँ पर मैच इन्फो, फिर पिच रिपोर्ट, उसके बाद टीम न्यूज़ और फिर प्लेइंग 11, फिर ड्रीम 11 की टीम, फिर ड्रीम 11 टिप्स और फिर मैच प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मैच इन्फो। पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे रियल टेलीग्राम चैनल, जो कि हमारा असली ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर 63,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उस चैनल को ज्वाइन कर लो। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से चैनल ज्वाइन होगा। बाकी सर्च करने से सारे फेक चैनल आएंगे, तो ज्वाइन कर लो। और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जहाँ पर 26,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। आप लोग, हम लोग की फैमिली वहाँ पर जुड़ी हुई है, जाकर के वहाँ भी फॉलो कर लो। स्टोरी में अपडेट आते रहते हैं और ट्विटर पर भी मैं ट्वीट करता रहता हूँ मैच से रिलेटेड या टीम वगैरह में, वहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ। तो आप लोग ट्विटर पर भी फॉलो कर लो, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि फाइनल अपडेट टॉस के बाद वहीं होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं। आपको मैं बताऊंगा कौन से प्लेयर को कब लेना है, क्यों लेना है, ताकि आप एक अच्छी टीम बना पाओ। देखो, आप किसी की भी टीम से खेलो, ड्रीम 11 में फ़र्क नहीं पड़ता। आपको मेन आपका इंटेंट होना चाहिए सीखना, आप कितना सीख लेते हो। सीखना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। यार, मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की, मैंने पर सीखा है, ठीक है, तभी मैं इस लेवल पर हूँ। आप लोग का प्यार है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैच इन्फो, मैच टन 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 में खेला जाएगा। इसकी पिच रिपोर्ट की बात करें तो ये जो पिच है ना, न्यूट्रल पिच ही है। यहाँ पर डोमेस्टिक मैचेस काफ़ी सारे खेले गए हैं, तो यहाँ पर कभी कभी हाई स्कोरिंग मैच भी होते हैं, बट नॉर्मली एक नॉर्मल मैच ही होता है। 250 टू 280 तक स्कोर होता है। तो एक न्यूट्रल विकेट मानिए, आप फास्ट बॉलर स्पिन बॉलर दोनों को हेल्प मिलेगी और बैटिंग एकदम न्यूट्रल न्यूट्रल, आपको एक बैलेंस टीम इसके लिए बनानी पड़ेगी। तो ये पिच रिपोर्ट की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम न्यूज़। यार, टीम न्यूज़ की अगर बात करें तो एक न्यूजीलैंड की तरफ से कोई चेंज नहीं होना चाहिए टीम में, पर इतना हो सकता है कि अगर टीम सऊदी को अगर टीम खिलाना चाहे और अगर वो फिट भी होते हैं तो शायद लॉकी फर्गुसन की जगह पर टीम सऊदी को खिला सकते हैं। बट और अगर अफगानिस्तान, बट मतलब चांस नहीं ज़्यादा, मुझे लगता है सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जानी चाहिए। बट अफगानिस्तान की टीम की न्यूज़ की अगर बात करें तो मोहम्मद शहजाद ये मैच नहीं खेलेंगे, उनको अब अपनी टीम में बिल्कुल भी मत लेना। विकेट कीपर में आपके लिए सेफ चॉइस टॉम लथम ही हैं। तो ये टीम न्यूज़ होगी। बात कर लेते हैं प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11 की। तो दोस्तों, कॉलिन मुनरो, मार्टिन गप्टिल ओपनिंग करेंगे, उसके बाद केन विलियमसन, फिर रॉस टेलर, उसके बाद टॉम लथम, फिर जिमी नीशम, कॉलिन डी ग्रैंडो, मिचेल सैंटनर, और उसके बाद आप उसको ले सकते ट्रेंट बोल्ट हो गए, फिर मैट हेनरी हो गए, उसके बाद और फिर लॉकी फर्गुसन, ठीक है। ये होगी न्यूजीलैंड की प्लेइंग 11। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर नूर अली जदरान शायद ओपनिंग करेंगे, और शायद क्योंकि मोहम्मद सजाद नहीं खेले तो शायद वही ओपनिंग करेंगे। उसके बाद उनके साथ में ओपनिंग करेंगे यहाँ पर हज़रतुल्ला जजाई, बहुत बढ़िया प्लेयर है, बहुत हार्ड, कब चल जाए भरोसा नहीं है। तो फिर तीन नंबर पर बैटिंग करने रहमत शाह आएंगे उनके, उसके बाद हज़रतुल्ला शाह, असगर अफगान, पहले इसका नाम सनी जाई था, पता नहीं क्यों बदल दिया क्रिकेट बोर्ड ने। तो उसके बाद हज़रतुल्ला शाहिदी, जो कि अच्छे फॉर्म में, भी प्रैक्टिस मैच में अच्छा बनाया, उसके बाद कुछ खास किया नहीं। उसके बाद यहाँ पर मोहम्मद नबी, फिर गुलाबदीन नैब हो गए, नजीबुल्ला जदरान हो गए, राशिद खान हो गए, दौला जदरान हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, और यार अफगानिस्तान की मतलब मेन पता कंसर्न क्या है, प्लेइंग 11 तो ठीक ठाक खिला लेते हैं, वही प्लेइंग 11 बाकी टीम्स को हरा सकती है, बट न्यूजीलैंड को नहीं हरा सकती, क्योंकि इनके जो बॉलर्स हैं आप देख लो, मुजीबुर रहमान बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं है। तो मुजीबुर रहमान की जगह पर इनको शायद किसी और बॉलर को लाना चाहिए, वो विकेट नहीं ले पा रहे, पहले मैंने शायद दो विकेट लिए थे बट उसके कुछ कर नहीं पा रहे। चेंजेस तो इनकी टीम करेगी बिल्कुल करेगी, क्योंकि उनकी टीम हार रही है, चेंजेस इनको करने पड़ेंगे। बट देखते हैं फाइनल प्लेइंग 11 क्या खिलाते हैं। हमारी तरफ से यही प्लेइंग 11 जो मैंने आपको स्क्रीन में दिखा दी। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ड्रीम 11 टीम की। तो जो आप स्क्रीन पर हमारी ड्रीम 11 टीम देख रहे हो, यही हमारी ड्रीम 11 टीम रहेगी। हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। विकेट कीपर में आपके पास सेफ चॉइस है टॉम लथम। अगर न्यूजीलैंड टीम अगर बाद में बैटिंग करती है, और अगर अखिल, अगर विकेट कीपर जो इनके हैं अफगानिस्तान के रिप्लेसमेंट में, अगर ये अगर खेलते हैं तो आप टॉम लथम को ड्रॉप करके उनको ले लेना, इतना कर लेना। उसके बाद बैटिंग मैंने केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल और कॉलिन मुनरो को लिया है। आज मैंने फिर से रॉस टेलर को नहीं लिया, कुछ खास रीज़न है। और मैंने उनकी तरफ बैटिंग में रहमत शाह को लिया है, जो कि शायद अगर विकेट कीपिंग कर गए तो अच्छा खासे पॉइंट दे देंगे, फिर वो कभी कभी बॉलिंग भी कर देते हैं बैटिंग के साथ।
तो क्या क्या करेंगे पता नहीं। फिलहाल मैंने इनको ले लिया, ज़्यादातर जनतानी के साथ जा रही है। फिर ऑलराउंडर की बात करें तो मैंने मोहम्मद नबी को लिया, जिमी निशम को लिया, फिर गुलाबदीन नैप को लिया हुआ है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, आप चाहो मिचेल सैंटनर को भी ले सकते हो। बैटिंग भी आपके पास ऑप्शन है, रॉस टेलर हो गए, हज़रतुल्लाह शाइजी हो गए और हज़रतुल्लाह जज़ाई हो गए, तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो इनको पिक कर सकते हो। अब बॉलिंग की बात करें, मैं यहाँ पर बॉलिंग में मैट हेनरी को नहीं दे रहा हूँ आज, मैं लॉकी फर्गूसन के साथ जा रहा हूँ, ट्रेंट बोल्ट के साथ जा रहा हूँ। हाँ, अगर लॉकी फर्गूसन अगर ये मैच नहीं खेलते हैं, टीम सऊदी अगर खेलते हैं इनकी जगह पर, तो मैं मैट हेनरी को ले लूँगा, उसके बाद राशिद खान। तो ये हमारी हो गए 11 प्लेयर। अब कैप्टन वाइस कैप्टन अगर आपको मैं बात बताऊँ तो यार, अगर न्यूजीलैंड टीम पहले बैटिंग करके मैं कैप्टन बनाऊँगा केन विलियमसन को, और वाइस कैप्टन कर दूंगा मार्टिन गप्तिल को, बाकी देखते हैं क्या होता है। और ऑप्शन आपके पास मार्टिन गप्तिल हो गया, राशिद खान बहुत बड़ी ऑप्शन है यार, वो बैटिंग बहुत अच्छी कर लेता है, तो और कल शायद 2-3 विकेट ले ले। मेरा दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, बहुत अलग टाइप का है, उसने बोला कि राशिद खान 3-4 विकेट ले जाएगा, तो मैंने कहा ठीक है भाई तेरे कहने पर ग्रैंडी में ट्राई कर लूँगा। तो आप चाहो तो राशिद खान को ट्राई कर सकते हो एज अ वाइस कैप्टन इस स्मॉल लीग में भी, बैटिंग से नहीं तो बॉलिंग से नहीं तो बैटिंग से पॉइंट वो दे देगा ठीक ठाक। तो ये होगी भाई बात, मार्टिन गप्तिल को भी आप चाहो कैप्टन कर सकते हो। अब बात करते हैं ड्रीम इलेवन टीम्स की, जो क्या वो ग्रैंड लीग मेगा कॉन्टेस्ट में जीतने में हेल्प करेंगी। तो मेरे यार आप अफगानिस्तान की तरफ से ट्राई करो हज़रतुल्लाह जज़ाई को किसी भी दिन बंदा मार सकता है बहुत तेज़ी से रन किसी भी दिन। और उसके बाद अगर आपको न्यूजीलैंड तरफ से अगर आपको कोई प्लेयर ट्राई करना है तो कॉलिन मंडो को ट्राई कर लो, मार्टिन गप्तिल को सभी ट्राई करेंगे, केन विलियमसन को ट्राई करेंगे, मार्टिन गप्तिल को आप ट्राई कर लो, बढ़िया रहेगा। तो ये होगी बात, अब क्या करें, अब मैच प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं यार। न्यूजीलैंड ही जीतेगा, अफगानिस्तान के सामने न्यूजीलैंड है तो न्यूजीलैंड का इंजीनियर बोल नहीं सकता तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ही मैच जीतेगा। आप लोग अब क्या क्या प्रेडिक्शन है कमेंट में बताओ। और एक चीज़ और गाइज, प्लीज़ अगर चैनल पर अगर नए होना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, 1,00,000 सब्सक्राइबर आज हमारे होने वाले हैं। और कल हम एक वीडियो डालेंगे जिसमें हम आप लोगों को कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, जो कि आपकी फैमिली को, आप और पूरे इंडिया में जो सोसाइटी को, जो हमारी फैमिली है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, टेलीग्राम पर, पूरी जो हमारी कम्युनिटी है सबको हेल्प करेगी, पूरी लाइफ हेल्प करेगी। और बहुत अच्छी चीज़ें, सीक्रेट है, सरप्राइज़ है, वीडियो डाल के बताऊँगा, तो बस मज़ा आने वाला है। बस वीडियो को एक लाइक ठोक देना वीडियो पे, और कमेंट कर देना कि आपको मज़ा आया नहीं आया, आता होगा मज़ा। इस वीडियो में कॉमेडी थोड़ा कम कर दी क्योंकि करीब 3 बजा हुआ है रात का, तब शूट हो रहा है तो थोड़ा लेवल डाउन हो गया, तो इसीलिए कॉमेडी कम की। अगली वीडियो में फिर से बहुत सारी कॉमेडी करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, और नेक्स्ट वीडियो मज़ेदार होगी। चलो गाइस, बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।